नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राजधानी दिल्ली की खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पर आज एनडीएमसी कन्वर्सेशन सेंटर में बीजेपी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। शाम 4 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर बता दें कि 3 बजे करीब संसद मार्ग से पटेल चौक गोल चक्कर से शुरू होकर जय सिंह रोड जंक्शन तक जाएंगे। इस रोड शो में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। इसे लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने कहा है कि रोड शो मार्ग के आसपास के इलाकों में सुचारू ट्रैफिक प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक अशोक रोड, साथ ही अशोका रोड, जय सिंह रोड, संसद मार्ग, रफी मार्ग, जंतर मंतर रोड और साथ ही इम्तियाज खान मार्ग और साथ ही बंगला साहेब बता दें कि दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोड शो करेंगे। बता दें कि इस दौरान प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रही है। प्रशासन ने इसको लेकर तमाम तैयारियां कर दी है। वही बता दें कि एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शाम 4 बजे शुरू होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और इस दौरान पीएम मोदी रोड शो भी करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि दोपहर 3 बजे करीब संसद मार्ग से पटेल चौक गोल चक्कर से शुरू होकर जय सिंह रोड जंक्शन तक ये रोड शो देखने को मिलेगा, जहां पर प्रशासन मुस्तैद दिख रही है और इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारी भी की जा रही है। बता दें कि इस रोड शो को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, साथ ही इस बैठक को लेकर भी तमाम तरीके की बातें हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये बैठक अब होगी इसमें तमाम तरीके के फैसले लिए जा सकते हैं। इस रोड शो में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसे लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी किया है और पुलिस ने कहा है कि रोड शो मार्ग के आसपास के इलाकों में सुचारू ट्रैफिक प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक अशोका रोड, जय सिंह रोड, संसद मार्ग, रफी मार्ग, जंतर मंतर रोड, इम्तियाज खान मार्ग और साथ ही बंगला साहेब लेन दोपहर 2:30 बजे तक शाम 5 बजे तक 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहने की उम्मीद है, और जिसको लेकर इस रोड शो को लेकर भी काफ़ी भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसकी वजह से ये एक एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। प्रशासन ने इस रोड शो को लेकर तमाम तैयारी की है और साथ ही इस रोड शो में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से कोई भी चूक ना हो इस पर खास ध्यान रखा जा रहा है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के पोखरा में एयरलाइंस का ATR-72 विमान क्रैश हो गया है। विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। हादसे में बता दें कि 68 लोगों की मौत होती हुई बताई जा रही है और इस बात को लेकर तकनीकी खराबी या मानवीय क्षति से जटने के लेकर चलते ये हादसा होने की बात सामने आई है। हालांकि पूरी जांच पड़ताल जारी है और क्रैश के स्पष्ट वजह अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। नेपाल में पिछले कुछ सालों से बड़े विमान हादसे हो रहे हैं और ये रविवार को यातायात एयरलाइंस के विमान में काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। इस दौरान बता दें कि सोशल मीडिया पर विमान क्रैश से थोड़ी समय पहले ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि एक यात्री है, वे लाइव वीडियो बनाते हुए नजर आए हैं और इस दौरान उन्होंने मौसम भी खराब होने की वजह से विमान क्रैश होने की आशंका लगातार जताई जा रही है। बता दें कि इस टीम की एक सदस्य ने बता दें कि एक वीडियो क्लिप बनाया था, जिसके माध्यम से ये अब उम्मीद जताई जा रही है कि मौसम इस तरीके की खराब थी जिसकी वजह से ये विमान क्रैश हुआ है और इस दौरान 68 लोगों की मौत हो गई है। ATR-72 विमान जो है वो क्रैश हुआ है और बता दें कि नेपाल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ये विमान जब क्रैश हुआ इस दौरान वहां भगदड़ मच गई, पूरे तरीके से विमान जो है जलकर खाक हो गया है। उसमें बता दें कि यात्री जो थे उसमें 68 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही वहाँ भगदड़ की स्थिति, प्रशासन लगातार तमाम जुटी हुई है
इसको लेकर और जिस तरीके से ये विमान क्रैश हुआ है इसको लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि मौसम खराब होने की वजह से इस तरीके का ये विमान क्रैश हुआ है। नेपाल की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर ये बता दें ये जो विमान है ये क्रैश हो गया है और काठमांडू से पोखरा के लिए इसने उड़ान भरी थी जिस दौरान ये क्रैश हो गया, 68 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है और लोगों को इस ठंड से जल्द राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बता दी कि दिल्ली एनसीआर में कई स्थानों पर शीतलहर की वापसी की संभावना जताई है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। भारत मौसम विभाग विज्ञान के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 5 जनवरी से बता दें 6 जनवरी तक भीषण शीतलहर देखी गई जो एक दशक से दूसरे सबसे लंबे अवधि के लिए रही है और इस महीने अब तक 50 घंटों के अधिक घना कोहरा दर्ज किया गया है जो 2019 के बाद सबसे अधिक है। अगले 5 दिनों में दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बता दें रात और सुबह के समय कुछ हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि 17 से 18 जनवरी तक उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में शीतलहर से गंभीर शीतलहर स्थिति बनने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे गर्म ऊनी कपड़े पहने और अपने सिर, गर्दन, हाथ पैर, उंगलियां ढक कर रखें और साथ ही लोगों को जहरीले धुएं से बचने के लिए हीटर का उपयोग करते समय वेंटिलेशन बनाए रखने को कहा गया है। और बता दें कि ठंड का कहर लगातार जारी है जिसकी वजह से ये ठंड लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है और इस ठंड के वजह से बता दें कि लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक दिल्ली और साथ ही उसके आसपास के कई इलाकों में ज़बरदस्त ठंड पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वे घर से कम बाहर निकले और अगर वे बाहर निकलते भी हैं तो अपने आप को कवर करके निकले क्योंकि जिस तरीके से ये ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ऐसी ही ठंड 2019 में देखने को मिली थी जब इस तरीके के ठंड के कारण, शीतलहर के कारण कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है तमाम जगहों पर और साथ ही बता दें कि इसको लेकर इस ठंड और कोहरे की वजह से ट्रेन और विमान भी काफ़ी लेट होती हुई नज़र आ रही है और साथ ही बता दें कि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 17 से 18 जनवरी तक उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान जो है वह 2 डिग्री सेल्सियस की गई है और इसकी गिरावट आने की और भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में शीतलहर गंभीर होने की बात कही गई है। वहीं जोशीमठ में भूधसास ने प्रशासन की चिंता में डाल दिया है। सैकड़ों परिवार ने अपना घर छोड़ दिया है। जोशीमठ में बारिश का मौसम बना हुआ है, इस वजह से वहां पर भूस्खलन, लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। बता दें कि हालांकि पिछले साल भी जोशीमठ की ओर जाने वाली सड़कों पर लैंडस्लाइड की वजह से यातायात प्रभावित हुआ था। वहीं बीते साल अक्टूबर में ऋषिकेश और जोशीमठ के बीच 237 किलोमीटर लंबी सड़क के आसपास 309 रोड ब्लॉकिंग लैंडस्लाइड देखने को मिली थी, मतलब लगभग हर 800 मीटर पर लैंडस्लाइड हुआ था। ऋषिकेश और जोशीमठ के बीच 237 किलोमीटर लंबी सड़क के आसपास पहाड़ों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह क्षेत्र लैंडस्लाइड के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है।
वहीं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही मतपत्रों से चुनाव करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस वर्ष 23 राज्यों में होने वाले विधानसभा और अगले वर्ष लोकसभा चुनावों में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। मायावती ने बता दें कि उनका जन्मदिन था कल और जिसको लेकर इस दिन उन्होंने ये बात कही है। अपने 67वें जन्मदिन के मौके पर वो ये बात कहती हुई नजर आई, लोगों को उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने ये कहा है कि उन्हें वो किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी, वे आगे अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। और साथ ही बीजेपी पर वो जमकर निशाना साधती हुई नजर आई, बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाते हुए नजर आई है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में कानून व्यवस्था ठीक करने की आड़ में जो घिनौनी राजनीति हो रही है वे किसी से छिपी नहीं है। ये साथ ही ये बता दें कि मायावती ये कहती हुई नजर आई है। साथ ही बीएसपी के प्रमुख बता दें कि निर्वाचन आयुक्त से मतपत्र से चुनाव कराए जाने की पुरजोर मांग करती हुई नजर आई है। देश में ईवीएम के जरिए चुनाव को लेकर यहां की जनता में कसमकस की आशंका व्याप्त हुई है। उन्हें खत्म करने के लिए बेहतर यही होगा कि अब यहां आगे छोटे बड़े सभी चुनाव पहले की तरह मतपत्र से करवाया जाए। ये बातें मायावती कहती भी नजर आई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी की मुखिया मायावती ये कहते हुए नजर आई और बता दें कि अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि वे चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। और साथ ही बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी सवाल खड़े किए हैं और साथ ही मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग करते हुए नजर आई है। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष कई राज्यों में होने वाले विधानसभा और अगले वर्ष लोकसभा चुनावों में वे अकेले ही दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बता दें कि इस दौरान मायावती ने मॉल एवेन्यू स्थित बीएसपी के राज्य मुख्यालय पर जन कल्याण दिवस के रूप में मनाए जा रहे उनके 67वें जन्मदिन के मौके पर ये बातें कही हैं और इस दौरान संवाददाता सम्मेलन में वे मौजूद थी। सबको संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और अपनी बातें कही है। साथ ही बीजेपी की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में कानून व्यवस्था ठीक कराने की आड़ में जो घिनौनी राजनीति हो रही है वह किसी से छिपी नहीं है, ये मायावती का कहना है। साथ ही उनका ये कहना है कि बीएसपी प्रमुख ने मुख्यतः निर्वाचन आयोग से मतपत्र से चुनाव कराए जाने के लिए पुरजोर मांग करने को कहा है और देश में ईवीएम के जरिए चुनाव को लेकर यहाँ की जनता में कसमकस की आशंकाएं व्याप्त हो रही है। उन्हें खत्म करने के लिए बेहतर यही होगा कि छोटे बड़े सभी चुनाव जो है मतपत्रों से कराया जाए, ये मायावती का कहना है। दिल्ली विधानसभा में 3 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो रहा है। 16 से 18 जनवरी तक चलने वाला यह सत्र काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इस शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा जिसको लेकर विपक्ष हंगामा करने से मन बना रहा है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बंधूरी का कहना है कि यह जानबूझकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हम लोग इसे लेकर भी विधानसभा में विरोध दर्ज कराएंगे। वहीं एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर भी चल रहे घमासान और उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच चल रही टकराव का भी असर सत्र के दौरान देखने को मिल सकता है। दिल्ली विधानसभा सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है। सत्ता पक्ष और उपराज्यपाल को लेकर हमलावर रहेगा और चुनी हुई सरकार के कामकाज में बाधा डालने के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेगा। वहीं विपक्ष ने दिल्ली सरकार को कामकाज के मसले पर कटघरे में खड़ा कर रखा है। सत्ता पक्ष बता दे कि मोहल्ला क्लिनिक साथ ही एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर निंदा प्रस्ताव भी ला सकती है और बता दे कि आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो जाएगी। आज से 18 जनवरी तक ये सत्र चलेगी और इस सत्र में सबसे खास ये होगा कि इसमें प्रश्नकाल जो होता है वो नहीं होगा, जिसको लेकर विपक्ष जो है काफ़ी आक्रामक रूप लेता हुआ नज़र आ सकता है। इस सत्र में काफ़ी विपक्ष इस पर सवाल भी खड़े कर सकता है
और बता दें कि दिल्ली विधानसभा में ये 3 दिवसीय सत्र की आज से शुरुआत हो जाएगी और ये हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। शीतकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा, जिसको लेकर विपक्ष हंगामे करने के मूड में नजर आ रहा है। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी का ये कहना है कि ये जानबूझकर कराया जा रहा है, जिससे जो मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं, वो विपक्ष ना उठा पाए, इसको लेकर ये कही जा रही है। और साथ ही बता दें कि विधानसभा में विरोध दर्ज कराया जाएगा, ये बात कही गई है। बता दें कि वही एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर भी घमासान चल रहा है, वही उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच चल रहे टकराव का अब असर सत्र में देखने को मिलेगा। और साथ ही दिल्ली विधानसभा सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रही है। यह सत्र काफ़ी हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है और 3 दिवसीय सत्र है, जिसमें बता दें कि प्रश्नकाल नहीं होगा, जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ये जानबूझकर ये नहीं करने की गई है, जिसको लेकर विपक्ष जो है लगातार हमलावर नजर आएगी। वही सत्ता पक्ष जहां उपराज्यपाल को लेकर हमलावर रहेगी, वही चुनी हुई सरकार के कामकाज को लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं इस सत्र में। और केंद्र की बीजेपी सरकार को बता दें कि आड़े हाथों भी ले सकती है, और साथ ही दिल्ली सरकार के कामकाज के मसले पर बीजेपी जो है सवाल खड़े कर सकती है। सत्ता पक्ष मोहल्ला क्लिनिक और एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर निंदा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, ये काफ़ी अहम है, जिसको लेकर अब सत्र किस तरीके से चलेगा, ये शीतकालीन सत्र, और इसमें क्या कुछ होने वाला है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। गणतंत्र दिवस से पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार को कथित तौर पर संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। वही अब चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आईएसआईएस से प्रेरित होकर इन दोनों आतंकियों ने पिछले महीने दिल्ली में 21 साल के एक युवक का सिर काट दिया था और आतंकियों को कत्ल का 37 सेकंड का वीडियो बनाकर पाकिस्तान स्थित अपने आका लश्कर के आतंकी सोहेल को भेजा था। वही बता दें कि 21 साल से युवक के शरीर में कई हिस्सों को पुलिस ने बरामद कर लिया है, इस हिस्सों में उसका हाथ भी शामिल है, वही जिस पर बता दें कि त्रिशूल के टैटू बना हुआ है। हालांकि अभी तक पीड़ित की पहचान नहीं हो पाई है, पीड़ित ड्रग्स एडिक्टेड था ये भी कहा जा रहा है, जिसके कारण उसके आतंकियों से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद से गिरफ्तार नौशाद को उनके आका सोहेल के हिंदुओं की हत्या कराने के काम सौंपा गया था। ये सोहेल पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह हरकत उल अंसार के संचालक है, और साथ ही बता दें कि सूत्रों का ये कहना है कि बता दें कि दोनों शख्स गिरफ्तार जो है उन्होंने कबूल कर लिया है। और साथ ही बता दें 14 से 15 दिसंबर को दिल्ली के भालसवा डेरी में उनको नौशाद के घर पर ले गए थे, और जहां पर गला घोट दिया गया और उसके शरीर के सिर काटकर 8 टुकड़े किए गए थे, जिसके बाद से पुलिस ने अभी 3 टुकड़ों को बरामद कर लिया है और अभी लगातार छानबीन जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप के 2 दिवसीय बैठक आज से महाराष्ट्र के पुणे से शुरू होगी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए देश और संगठन के बुनियादी ढांचे में निवेश के विभिन्न पहलुओं का मंथन करेंगी, और साथ ही सरकार की ओर से प्रेस रिलीज के मुताबिक जो है बैठक में IWUG के सदस्य राष्ट्रीय अतिथि राष्ट्रों और भारत के तरफ से आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 65 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस दौरान भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत 2023 के इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंट पर चर्चा होगा, और साथ ही प्रेस रिलीज में बताया गया है कि वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग और भारत सरकार के IWG के 2 दिवसीय बैठक में मेजबानी कर रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील से अध्यक्ष है। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप बुनियादी ढांचे में निवेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर में गुणवत्ता साथ ही पुणे निवेश को बढ़ावा देने और साथ ही बुनियादी ढांचे में निवेश करने आर्थिक स्रोतों को जुटाने के लिए
अभिन्न साधनों की पहचान करना शामिल है। G20 बता दें कि प्रेसिडेंसी की थीम शहरों का विकास का आर्थिक केंद्र बनाने के लिए G20 की थीम शहरी बुनियादी ढांचे में वित्त पोषण भविष्य के लिए तैयार करने की भी किया गया है। साथ ही शहर बुनियादी ढांचे के निर्माण, ऊर्जा कुशल और साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से स्थानीय बुनियादी ढांचे के लिए निजी वित्त पोषण की अनलॉक करने हो गए और साथ ही G20 में थीम सामाजिक असंतुलन में काम करने के लिए वित्तीय निवेश को निर्देशित करने के लिए विभिन्न पहलुओं को ध्यान में केंद्रित किया जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।